नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू roongtahospital.com। आज जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एलोपेशिया। बालों का झड़ना आम बात है। रोजाना अधिकतर लोग कंघी करते समय, नहाने के दौरान और तेल लगाते समय गिरते बालों का सामना करते हैं। यह स्त्री और पुरुषों दोनों के साथ होता है, लेकिन बाल जब असामान्य ढंग से गिरने लगे तो समझिए कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। और जब गिरते बालों के साथ सिर पर पेच की तरह बनने लगे तो समझ लीजिए कि आप एलोपेशिया के शिकार हैं। एलोपेशिया एरिटा क्या है? बाल झड़ने की समस्या को चिकित्सकीय भाषा में एलोपेशिया एरिटा कहा जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जो महिला पुरुष दोनों को अपना शिकार बना सकती है। इसके तहत सिर के बाल बुरी तरह से गिरने लगते हैं और व्यक्ति गंजेपन का शिकार हो जाता है। पुरुषों में अक्सर बाल किनारे और सामने की ओर से गिरते हैं, महिलाओं के बाल सिर के बीच वाले भाग से झड़ने लगते हैं। महिलाएं तो पूरी तरह से गंजी नहीं होती हैं, लेकिन पुरुष पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। इन वजहों से होती है एलोपेशिया की बीमारी। आपको बता दें कि एलोपेशिया एरेटा एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, जिनका काम बीमारियों से लड़ना है, वे हेयर फॉलिक्स पर ही हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से बाल तेजी से गिरने लगते हैं। कई मरीजों में सिर के कुछ कुछ हिस्सों से धब्बों की तरह बाल गायब होने लगते हैं। एलोपेशिया के लक्षण। एलोपेशिया कई तरह का है और उसके अनुसार उसके लक्षण होते हैं। एलोपेशिया एरेटा में बाल झड़ने पर सिर पर गोल गोल पैच दिखाई देना। जब व्यक्ति सोकर सुबह जागता है तो उसके तकिए पर भी झड़े हुए बाल दिखते हैं। एलोपेशिया टोटलिस में स्कैल्प से अधिकतर बाल गिर जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सल में सिर के बालों के साथ शरीर के बाल भी झड़ने लगते हैं। कभी कभी एलोपेशिया व्यक्ति के नाखून पर भी असर डालता है और नाखून टूटने लगते हैं। एलोपेशिया होने के कई कारण होते हैं। आनुवंशिक कारणों, महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय, मेनोपॉज के दौरान, कैंसर, आर्थराइटिस, हृदय रोग, गाउट, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, उम्र बढ़ने के साथ बालों का झड़ना, किसी ट्रॉमा, तनाव और चिंता से भी व्यक्ति के बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया की जांच। एलोपेशिया को ट्राइकोलॉजिस्ट ही पकड़ पाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे शरीर में ऑटो इम्यून डिजीज़ का पता भी लगता है। कभी कभार बालों की स्थिति का पता लगाने के लिए भी अलग से टेस्ट किया जाता है। स्किन बायोप्सी भी एलोपेशिया का पता लगाने के लिए की जाती है। एलोपेशिया के इलाज। एलोपेशिया के इलाज के लिए कई तरीके मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर आपके इलाज का माध्यम आपकी सेहत, सिर के स्किन का स्वास्थ्य, एलोपेशिया की गंभीरता को देखने, समझने और इसकी जांच करने के बाद तय करते हैं। इसका इलाज हर मरीज पर अलग अलग तरह से निर्भर करता है, क्योंकि कई बार कुछ मरीज को बिना किसी इलाज के बाल फिर से दोबारा उग जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को दबाव या थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मुख्य थेरेपी मौजूद है जिनकी मदद से बालों को टूटने व झड़ने से बचाया जा सकता है। इसमें अरोमा थेरेपी, एक्यूपंक्चर और हर्बल सप्लीमेंट्स आदि शामिल है। एलोपेशिया एरिटा के लक्षणों को पहचानने के बाद कई बार विशेषज्ञ दवाओं का सेवन करने के लिए भी सलाह देते हैं। कुछ मामलों में बाल को दोबारा उगाने के लिए फोटोकीमोथेरेपी भी की जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।